जी आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube के चैनल पर। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत दिन बाद मैंने आज व्लॉगिंग की है। बीच में टाइम सा नहीं लग पा रहा था और तबीयत भी खराब हो गई थी क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है, तो इस वजह से। और अभी चल रही नवरात्रे और मैंने तिलक लगा रखे क्योंकि मैं वैसे भी लगाती हूँ। मैंने नवरात्रे नहीं रखे हैं तो पापा ने रखे हैं, तो मैं पापा के लिए बना रही हूँ आज। खोआ निकाल रही, दूध ज़्यादा हो गया था तो मैं बैठी बैठी सोच रही थी क्या करूँ क्या नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं पापा के लिए खोआ निकाल देती हूँ। और फिर ये पापा के लिए मैंने रख दिया खोआ बनाना, और ये ज़्यादा लग रहा है, अकेले पापा तो इतना खाएंगे नहीं। तो इसमें मैं ब्रेड को फ्राई करके उसमें घी में और एक नई तरह की मिठाई बनाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी और बहुत अच्छी लगती है, आप लोग ट्राई करके देखना। मुझे भी नहीं आती थी, मुझे भी मेरे भाई ने बताई थी, वो बाहर रहता है तो उसे ने बताई थी, और मैंने ट्राई करके देखी, बहुत अच्छी बनी। तो आप लोग भी ट्राई करके देखना, पापा का भी काम हो जाएगा इसमें और हमारा भी मीठा करने का मन है तो हमारा भी काम चल जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे मिठाई बनाती हूँ। दूध में उफान आने लग गया है अच्छे से, पर एक बात होती है ये बनाते टाइम की, इसी के पास खड़ा रहना पड़ता है, वो टाइम लग जाता है। खैर कोई नहीं, टेस्ट चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मैं ये यहाँ बैठी हूँ स्लैब पर, देखिए किचन की पर, क्योंकि मुझे इसकी दूध की रखवाली करनी है, तो इस वजह से मेरी आज यहीं शीट होगी। बैठे रहो बैठे रहो। और हाँ आप लोगों से एक बात कहनी थी, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना कैसी लगी मेरी मिठाई। वैसे बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी टाइम हो गया है, 5:45 हो गए हैं और ये भाई साहब अभी इतना ही हो पाए हैं, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी नीचे आ गई है ताई और मम्मी ताई के पास चली गई हैं। ताई जी चाय नहीं पियेंगी, उनको परहेज है पता नहीं, हाँ मतलब वो बात सच में ही बोल रहे हैं, तो मैं उनके लिए एप्पल काट देती हूँ, बैठ के खा लेंगी शांति से। गर्मी बहुत हो रखी है, एक बार मौसम बीच में ठीक हो गया था लेकिन अब दोबारा से गर्मी फिर बहुत हो रही है, बहुत बेचैनी वाली है। जैसे नीचे जाके ऊपर आ रही है ना तो पसीने आ रही है, तो वो भी थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, गर्म रहती है वो हमेशा, तो मैं उनके लिए क्या करूँ। अच्छा वो खाना है, अभी जल्दी बनेगा, ऐसे सिंपल करने से टाइम लग रहा है ना। बिल्कुल साइड साइड में लग गया, वैसे चम्मच से मैंने हल्का हल्का उतार दिया है लेकिन इतना ही उतरा ही है, और ये बिल्कुल रेड रेड कलर का होने लग गया है। अब थोड़ा सा टाइम रह गया इसमें, तो तब तक मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ, मेरे बर्तन पड़े हैं। ये रबड़ी बनके हमारी बिल्कुल तैयार है, और मैंने ये जानबूझ के थोड़ी ढीली ढीली रखी है क्योंकि मैं वो ब्रेड जो बनाऊंगी तो वो इसमें डालूंगी, तो वो ऑब्जर्व कर लेंगे थोड़े से, तो लूज सी ठीक है। पापा की मैंने निकाल के रख दी है और अब ये हमारी बच गई है, तो इसमें बना लेती हूँ। और ये मैंने ले लिया है देसी घी, ये है गाय का घी, अभी हम इसको सिंपल करके रख देंगे, गर्म हो जाएगा तब तक मैं ब्रेड काट लेती हूँ। चलिए एक करके ट्राई कर लेते हैं ब्रेड को। ये हल्के हल्के ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। और ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं तो हमें गैस का जो वो है स्लो पे ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है,
देखिए हल्की हल्की ब्राउन होने लग गया ये, और बिल्कुल करारे हो जाते हैं। जी देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, अभी हम इनको निकाल लेते हैं। ब्रेड मैंने फ्राई कर लिया, ये बिल्कुल करारे हो गए हैं, आवाज भी आ रही होगी आपको। और ये है रबड़ी, अब मैं इसको ठंडे होने के लिए रख देती हूँ, फिर ठंडे होने के बाद ये इसमें डालनी है। ये मिठाई बनके तैयार है हमारी, देखो।